उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह की दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान सोनिया गांधी के साथ अहम बैठक हुई है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मुद्दों को लेकर यह बैठक हुई है। इस बैठक में उत्तराखंड में बेरोजगारी, महंगाई के अलावा आपदा और भ्रष्टाचार जैसे गंभीर मुद्दों पर मौजूदा बीजेपी की सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर बीजेपी सरकार की विफलता को बताने के कार्य में लगाने की रणनीति बनाई गई है। इस मामले पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा महाराज दोसानी ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। निश्चित तौर पर जब भी संवाद होता है प्रादेशिक नेतृत्व में और केंद्रीय नेतृत्व में तो वो पार्टी की मजबूती के लिए हमेशा लाभकर होता है। ऐसे में यहाँ से माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय अध्यक्ष जी दोनों हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी के संग बैठक करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए दिल्ली गए हैं। ऐसे में आगामी चुनाव के मद्देनजर हमको दिशा निर्देश मैडम देंगी और यहाँ के जो क्रियाकलाप हैं, घटनाक्रम हैं, जो आपदा आई है, इन सबसे भी अपडेट राष्ट्रीय अध्यक्षा जी को किया जाएगा। कांग्रेस की दिल्ली बैठक पर उत्तराखंड बीजेपी के प्रवक्ता विनोद सुयाल ने सभी प्रतिक्रियाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई को सुलझाने के लिए दिल्ली में आलाकमान के साथ बैठक की है। बीजेपी के मुताबिक कांग्रेस शासन के दौरान महंगाई और बेरोजगारी चरम पर थी और इस बात को भी कांग्रेस के नेताओं को नहीं भूलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने बहुत लंबे समय तक देश के अंदर राज किया और उत्तराखंड राज्य के अंदर भी बहुत लंबे समय तक 10 सालों तक वो शासन सत्ता में रहे। जहां तक महंगाई और बेरोजगारी का इशू है, ये सारे इशू इससे ज़्यादा उनके टाइम पे ज़्यादा विकराल रूप में थे। आज पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने 7 वर्षों के अंदर उत्तराखंड के लिए विकास के बहुत सारे काम किए हैं और हमारी उत्तराखंड की सरकार ने भी 4.5 वर्षों के अंदर लोगों को बहुत रोजगार देने का प्रयास किया है, चाहे वो स्वरोजगार हो। इतना जरूर हो सकता है कि 1.5-2 वर्षों के अंदर कोविड के कारण कुछ जो सरकारी नौकरियां थी उनकी विज्ञप्ति में लेट अथी हुई है, लेकिन उनकी विज्ञप्तियां जारी की जा रही। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की चुनाव तैयारियों पर इससे कोई प्रभाव ज़्यादा पड़ने वाला नहीं है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड राज्य के अंदर सरकार बनाएगी और चुनाव जीतेगी। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को चुनाव प्रबंधन में भागीदारी और सहभागिता देते हुए मेरा बूथ मेरा गौरव नाम से एक विशेष अभियान की शुरुआत की है। कांग्रेस का कहना है कि उत्तराखंड में सरकार बनने के बाद बूथ स्तर पर होने वाले विकास कार्यक्रमों की निगरानी का महत्वपूर्ण कार्य बूथ स्तरीय कांग्रेस कार्यकर्ता करेंगे ताकि कांग्रेस सरकार में होने वाले विकास कार्यों का फायदा राज्य के दूरदराज इलाकों तक समान रूप से पहुंच सके। पहली के राजनीतिक परिवेश में और आज के परिवेश में बड़ा अंतर है और टेक्नोलॉजी ने राजनीति को बहुत चैलेंजिंग बना दिया है। इसलिए कांग्रेस के लिए भी यह आवश्यक है कि वो बूथ पर खड़े अपने कार्यकर्ता को नई तकनीक से रूबरू करवाए और हमारे विपक्षियों द्वारा जो तरीके अपनाए जा रहे हैं और कभी कभी तो भ्रष्ट तरीके भी अपनाए जा रहे हैं उनको समझे और उनको एक्सपोज करें टाइम पे। मेरा कार्यक्रम को जो वाकई में मेरे बहुत दिन के करीब भी है और मेरा दुख मेरा गौरव क्योंकि उससे पहले बोलते हुए सभी साथियों ने अपनी अपनी बात रखी है और इस कार्यक्रम के बारे में बहुत कुछ बताया है तो मैं रिपीट नहीं करते हुए सिर्फ इतना जरूर कहना चाहूँगा कि मेरा दुख मेरा गौरव कब बनेगा। आप सभी के माध्यम से मैं अपने जो हमारे बूथ के कार्यकर्ता हैं उन तक पहुँचने की कोशिश करूँगा और उनसे ये अपील करूंगा कि मेरा बूथ मेरा गौरव तब बनेगा जब हम अपने बूथ में रहने वाले हमारे साथियों के दुख में दर्द में परेशानी में उनका